आईएमए की तरफ से चल रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 इटराना में नशा मुक्ति पर व्याख्यान आयोजित हुआ। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर विजयपाल सिंह ने बताया कि 99% क्राइम है नशे की वजह से हो रहे हैं। किसी के पास शराब के लिए पैसे भी ना हो तो वो व्यक्ति शाम को साइकिल चुरा रहे हैं तो कहीं पर्स छीन रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस का बहुत सहयोग मिल रहा है, एसपी के आदेश पर सीओ मीटिंग में मौजूद रहते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को नशे से दूर रखने की जरूरत है, नशे की श्रृंखला बनती जा रही है, उसको रोकना बहुत जरूरी है, अन्यथा युवा अपने मार्ग से भटक जाएगा और समाज में बुराइयां फैलेगी। डॉक्टर जेएस शर्मा वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ ने व्याख्यान किया। डॉक्टर विजयपाल सिंह सर्जन व आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर विनय यादव पैथोलॉजिस्ट सीओ सिटी हरिराम मीणा ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में प्रिंसिपल मनोज पांडे सहित स्टाफ मौजूद रहा। ये नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम है और बच्चों में एक मोटिवेशन पैदा करने का एक कार्यक्रम है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तत्वावधान में, जिसमें बच्चों को ये बताया जाता है कि नशे के कितने दुष्प्रभाव हैं, नशे के क्या कारण हैं, नशा की वजह से कितना नुकसान होता है खुद में, परिवार में, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, कैरियर के कैरियर चौपट हो जाते हैं, ये सब कुछ का बताया गया विस्तृत में, और नशे से कैसे मुक्त हुआ जाए इसके भी उपाय बताए गए। क्योंकि अक्सर लोग बाग ये होते हैं कि नशे में फंसने के बाद में ये महसूस करने लग जाते हैं इससे मुक्त कैसे हुआ जाए, लेकिन जब तक उनको ये तरीका नहीं बताओगे मुक्त कैसे हुआ जाए, कैसे नशे से बचा जाए शुरू में ही, तो बात अधूरी रह जाती है। इसकी हमने परिचर्चा में पूरी डिटेल में बात करी और बच्चों को मोटिवेट किया, बच्चों को एक प्रण दिया, एक प्रतिज्ञा करवाने के लिए कहा कि आप तो नशा मुक्त रहें, लेकिन अपने जीवन में एक आदमी को जो नशे से ग्रसित है उसको भी मुक्त करने का पूरा प्रयास करें, और बच्चों ने इस चीज को बहुत हेल्दी तरीके से लिया। डॉक्टर जी एस शर्मा वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ, पहले मैंने 30 साल तक सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने मानसिक रोग विभाग में अपनी सेवाएं दी है और अभी मैं अपनी क्लिनिक चलाता हूँ। आज केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 इटराना में जो हमने आईएमए की तरफ से नशा मुक्ति अभियान चला रखा है उसके तहत व्याख्यान चल रहा है, जिसमें डॉक्टर जे एस शर्मा जी जो वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ हैं, साथ में पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर विनय यादव व मैं स्वयं डॉक्टर विजयपाल सिंह सर्जन तथा सीओ सिटी हरिराम मीणा जी बच्चों को समझा रहे हैं, टीचर्स को बता रहे हैं कि नशे को, यहाँ पे दो पर्पज हैं हमारे कि एक तो बच्चे नशे में ना जाएं, सबसे पहला पर्पज तो ये है कि एक श्रृंखला जो बनती जा रही है वो ना बने, साथ में दूसरे कि अपने पेरेंट्स को जाके समझा सकते हैं बच्चे कि उन बच्चों अपने पेरेंट्स को भी कोई नशे में है तो उनको रोके हो, जिससे कि ये जो बर्बाद हो रहे हैं हमारे नशे में 90% क्राइम जो है नशे की वजह से या नशा करने की वजह से या नशे के लिए हो रहा है। जैसे किसी के पास में सपोज करो शराब के शाम को पैसे नहीं है तो वो आदमी कहीं से साइकिल उठा ले रहा है, कहीं से पर्स छीन रहा है शाम को पैसे के लिए और फिर शराब पी रहा है, तो ऐसे क्राइम जो हो रहा है 90% नशे की वजह से हो रहा है। और हम पूरे पुलिस का पूर्ण सहयोग मिल रहा है, जिसमें मैडम एसपी मैडम है उन्होंने पूरे सहयोग देती है, हर मीटिंग में वो भेजती है अपना कोई ना कोई डीएसपी साहब को, और साथ में मैं लगा हुआ हूँ, और सभी आप मीडिया कर्मियों को बहुत धन्यवाद जो आप पूरा का पूरा सहयोग करते हो जिसमें, और इसका प्रचार प्रसार करें जिससे कि अलवर में कम से कम मेरा एक ध्येय है कि दिसंबर तक ये जो नशा है कम से कम 50% कम हो जाए।